क्या बोल रहे थे यश? मम्मी से तो अच्छा करते हो। और पापा कर रहे थे अपने कुर्ते के प्रेस, तो मैं बोली पापा मैं आपके कुर्ते पे करूँ क्या? फिर मुझे ही याद आया और अगर जल गया तो, इसलिए मैं उठा लाई पापा का रुमाल। तो ये देखो फिर से मम्मी तो करती है जोर लगा लगा के पूरे फेंक देती है एक साथ ही सीधे ही, और पापा आराम आराम से धीरे धीरे हल्का हल्का ताकि जल ना जाए। साथ में पानी लेके बैठे, देखो वो रखा उधर साइड में। पापा बंद हो गई क्या लाइट? तो आ रही है। कैसे? इसकी लाइट चली गई थी अभी। लाइट गई है इसकी, लाइट रखी है। हाँ ऑटोमेटिक हो है प्रेस यार की देख। बोल तेरी मम्मी ने आपकी मम्मी को शादी के अंदर सब कुछ ऑटोमेटिक दिया था, एक मेरे को छोड़ के बाकी सब कुछ ऑटोमेटिक दिया था। बोल प्रेस भी ऑटोमेटिक। सोच सिवान मैं बस ऐसे दे दियो, लेकिन मैं वैसे ये अनका घर का थोड़ी दियो ना, मन तो मारला घर का दियो था। और क्या मतलब मेरे को छोड़ के बाकी सब सामान क्या है सिवान? ऑटोमेटिक। आप समझ गया ना? तो ये देख। तो जी कल एक कमेंट आया था कि शर्मा जी मैंने तो फर्स्ट टाइम ही नवरात्रे किए हैं, तो जो ये जोत लेते हैं ना वो प्लेट रखी है उधर, दियो जी प्लेट दियो इधर, कि शर्मा जी इसको रोज हटाना है कि इसके ऊपर ही हमें ये रखना है, ये तो हमेशा बता दे करके ही करना है हमें। वो हटा करके साफ कर लिए प्लेट और फिर हमने ये किया है। जी हटा कर करना है और जो आपको करने को बताया था ना वो तो बताएंगे। तो ये देखो भाई, ओहो हो गरज गरज बादल गरज रहे हैं इतने भयंकर वाले, बहुत तेज वाली बरसात आ रही है। ये समझ लो कि कल या पर कल मतलब आज शाम को इतनी भयंकर वाली सर्दी रहेगी, कन्फर्म है। बहुत ज़्यादा एकदम से सर्दी बढ़नी बढ़नी है, क्योंकि वैसे हल्की हल्की ठंड तो काफ़ी दिन से हो ही रही थी, अभी 5-7 दिन से, और अब तो जो बरसात आज आई है इसके बाद में तो शायद मेरे हिसाब से बहुत ही तेज़ हो जाएगी भाई। इसको तो गेट को बंद करना है, नहीं तो सब कुछ बिक जाएगा। तो ये बात है, इधर से दिखाना पड़ेगा, उधर से तो बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, उधर से पर्दा ही लगा के काम चलाना पड़ेगा। मत करानी है ना, मत करानी है ना, प्रसन्न हो रही है, काल ना हो रही है। माता रानी कह रही है कि बार सर्दी ला दू मैं कितनी देर बरसात आती है, क्या कुछ हाल होता है, क्या कुछ नहीं होता है। तो जी आज है दुर्गा अष्टमी, मतलब 8वां नवरात्रा माता दुर्गा का, और कल होगी नवमी। तो वो जोत वाला तो मैंने बता दिया था, उसके बाद में एक कमेंट और था, फिर बाद में मैंने सोचा अभी शाम के टाइम ये बता ही देते हैं, क्योंकि फिर तो कल तो नवमी कर ही लेंगे सब के सब। और वो उन्होंने पूछा था कि शर्मा जी ये जो जुहारे हैं इनका क्या करना चाहिए। तो जी देखो सबसे पहले तो अपन माता रानी की जो मतलब अपने चौकी लगा रखी है वहाँ 2 या 5 तार वहाँ पर चढ़ाने हैं थोड़े से, ठीक है। उसके बाद में अपने कन्याओं को देना है, दो चीज़ हो गई। उसके बाद में तीसरे नंबर पे जब माता जी की मतलब अपने को चौकी हटानी है, जिस टाइम पे भी हटाओ आप, नवमी को शाम को टाइम हटाओ या दशहरा को हटाओ, उस टाइम पे उसमें से सबसे पहले तो मतलब नवमी के दिन ही अपने को कन्या जिमाने के बाद में अपन जब प्रसाद लेंगे उस टाइम पे अपने को दोनों कानों के पास में लगाना है, और चोटी के भी लगा सकते हैं, लगाना चाहिए। पहले के टाइम में सब लगाते थे, आदमी भी मेरे जैसे ऐसे चोटी रखते थे सब के सभी, ब्राह्मण से मतलब नहीं है, और वो यहाँ लगाते थे, और लेडीज जो हैं वो भी लगाती थी, क्योंकि इसका मतलब एक वो बताते हैं पुरा मतलब जो हकीकत है कि साइंस तो आज की चीज़ है, साइंस से पहले जो हमारे
वेद ग्रंथ हैं वो बताते हैं कि ये 9 दिन से माता रानी के मतलब ज्योत के सामने रहते हैं और एकदम हरियाली चीज है, तो ये ऊपर से पॉजिटिव एनर्जी को चैतन्य रूप में आ जाते हैं जागृत अवस्था में, पॉजिटिव एनर्जी को अपनी ओर खींच करके और अपने शरीर में प्रवाहित करते हैं जो चोटी में लगाते हैं उससे। ठीक है, ये तो थी अपनी नॉर्मल बेसिक नॉलेज। उसके बाद में सबसे पहले तिजोरी के अंदर रखना चाहिए इनको, क्योंकि ये माँ दुर्गा का और मतलब माँ का स्वरूप है और माँ में सब आ गए, माँ दुर्गा सरस्वती लक्ष्मी भगवती सब आ गए और ये एक तरीके से चेतन रूप ही होता है, माता के सामने होते हैं हमेशा। और पूजा जब होती है धूप दीप सब चीज़ों से कपूर के से आरती भी करते हैं तो वो भी इनके अंदर समाहित, क्योंकि हर एक चीज़ वो बताते हैं ना यार कि पानी जैसे पानी खींचता है ऑटोमेटिक भाप वगैरह, इसी तरीके से ये चीज़ें कपूर है धूप है कि हवा, वो हवा जो है वो धूप की जो धुआं है वो और जो दीपक की लो की वो होती है वो सब चीज़ें अपनी ओर आकर्षित करती हैं। तो उसको है ना एक चीज़ और है, देखो कि ये ज्वारा जो भी है ना, ये अपन जब पूजा अपन जब कलश स्थापना स्थापित करते हैं उस दिन से ही हमें इनको देखना शुरू कर देते कि कब बढ़ेंगे कब बढ़ेंगे, मतलब जब नवमी तक हम इनकी कितनी दुआ करते हैं, जितना माता रानी के आने का इंतजार रहता है ना उतना इन ज्वारों के ऊपर बढ़ने का इंतजार रहता है हमें, ये जागृत रहते हैं एकदम, माता रानी का दूसरा रूप रहते हैं। ठीक है, तिजोरी वाला हो गया। उसके बाद में आप अगर लेडीज लोग भी अपना पर्स रखती हैं तो उसके अंदर भी रखना चाहिए, जेंट्स को भी अपने पर्स के अंदर रखना चाहिए, अगर वो बाहर गए हुए हैं तो रख लो उनको, वो शाम के टाइम में उनके पर्स में डाल दो। ठीक है, दो चीज़ हो गई। तीसरा नंबर एक बहुत ही पौराणिक वो है कि अगर इन ये जो जुहारे हैं अपने घर के अंदर कोई पुराने टाइम से काफ़ी लंबे समय से कोई बीमार चल रहा है तो उसको इनका जूस निकाल करके पिलाना भी स्वास्थ्य के लिए बहुत उत्तम, मतलब रस है, एक रस निकाल करके एक चम्मच रस निकाल लो, दो निकाल लो, तीन निकाल लो, भाई गड़बड़ तो कुछ करने की चीज नहीं है ये। एक तरीके से मतलब घास फूस ये जड़ी बूटियों के जैसे ही मतलब वो हो गए अगर वैसे देखा जाए तो। वैसे तो माता के आपको बता दिए भाई जुआरे हैं, अगर श्रद्धा और विश्वास दोनों चीज अगर हो तो खैर सही पूर्णतया सही भी नहीं होगा तो हर इंसान को जो इतने टाइम से लंबे टाइम से परेशान चल रहा है उसको 20-30-40-50% मतलब मैं कम से कम बता रहा हूँ इतना फायदा तो कंफर्म ही होगा, और जिनको श्रद्धा और विश्वास है उनको तो बहुत ही फायदा होगा। और लंबी समय से नहीं है, 5-7 दिन से भी अगर अपने, मैंने कल परसों बताया भी था कि इसके पेट में दर्द हुआ था और वैसे तो मेरे पास कमेंट आता है कि शर्मा जी आपने ही नज़र लगाई थी, चलो वो तो सब मजाक की बातें सब परिवार में होती रहती हैं। उस दिन मैंने जो माता रानी की जोत ली हुई बबूती थी उसको ही यहाँ पर लगाया था इसके पेट पे और माता रानी से प्रार्थना किया था, बस उसी की बदौलत। और सच में बहुत सारे अगर विश्वास से होता ना तो ये मतलब बबूती लगाते हैं ना इसका बहुत असर होता है भाई, मैंने तो खुद ने बहुत बार देखा है और हकीकत भी है। तो यही चीज़ थी बाकी। और इसके बाद में जैसे अपने भाई आप लोग तो नहीं जानते होंगे, समझो तो पत्थर है ना, समझो तो भगवान ना समझो तो पत्थर भाई, हमारे साइडों में होता है गुज्जर जो है मतलब गुज्जर कास्ट जो होती है उन लोगों के ज्यादा वो होता है, हम मतलब जहाँ जहाँ गुज्जर है वहाँ वहाँ पे वो मंदिर मिलेगा, देव नारायण जिनको बोलते हैं भगवान हीरामल जी कालस जी महाराज जो है उनके हमेशा मतलब जो भी यात्री जाता है मतलब जैसे कभी सांप काट जाता है किसी को या फिर बिच्छू ऐसी चीज़ें या फिर जो आप लोग समझ गए होंगे बड़ी चीज़ें जो भूत प्रेत से संबंधित जो चीज़ें होती हैं उन सब चीज़ों के लिए वहाँ पे भगवान देवनारायण के मंदिर में जब जाते हैं वहाँ पे जो पुजारी होती हैं वो लोग ज़्यादातर इस इनकी बबूती जो होती है ना क्योंकि पांचे का वो होता है यहाँ पे उस टाइम पे जितनी देर वो चलता रहती है उनका जो कम से कम 2-2-3-3 घंटे लंबा प्रोग्राम चलता है दिन के अंदर रात को अलग चलता है तो उस टाइम पे इनकी जोत चालू रहती है और वो उनकी जो बबूती होती है उससे ही देख लो ये इन सब चीज़ों पर जो सांप का है वो लगता है उसको नीम से और एक इस बबूती से दो ही चीज़ों से करते हैं। तो अगर आपका मन करे तो थोड़ी बहुत बबूती उसमें से जो अपन रोज जोत लेते हैं उस बबूती को अपने साइड में निकाल करके छान करके रख लो कि मोटा कुछ आए नहीं और समझ गए आप पतला पतला।
अपने पास रख लो, बहुत अच्छा और बहुत फायदेमंद, बहुत से छोटे मोटे उनके अंदर वो हो जाएगा। हाँ, सेकंड नंबर, नवमी के अगले दिन दशहरा आएगा, दशहरे के दिन अगर कोई भी माता बहन भी यह काम कर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। मंत्र मतलब झाड़ा वगैरह जो होता है ना, झाड़ा लगाना, आप जैसे पेट दर्द का, इन सब चीज़ों का ये झाड़ा मिल जाते हैं अपने को बहुत सारी जगह किताबों के अंदर। मेरे तो सादा हुआ है, दशहरे की रात के अंदर सबके सो जाने के बाद में एकांत में बैठ करके कम से कम 108 बार, नहीं तो शुरू वाले दिन अगर साधना होता है तो कम से कम भी 108 बार तो साधना ही हो, सॉरी 1008 बार साधना ही होता है उसको। तो इन चीज़ों का महत्व बहुत है, और बाकी शायद कोई पक गए होंगे तो कोई बात नहीं, माफ़ करना। तो मिलेंगे कल नए व्लॉग में। बाकी सारे पक जाते हैं ना, कई लोग मतलब वो होते हैं कुछ इस तरीके से। तो ठीक है जी, बाय।